दोस्तों, पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने आर्टिकल के ए एन के हिस्से का प्रयोग, मतलब व्हाट टू यूज, अर्थात कब ए का प्रयोग करें और कब एन का, इसकी चर्चा की। अब मैंने तीन स्टेप्स की बात की थी कि हमें इसको तीन आर्टिकल्स को थ्री स्टेप्स में पढ़ना है, व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, व्हेन एंड वेयर टू यूज, आपको याद आ रहा होगा। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, हाउ टू यूज। और हाउ टू यूज में हम क्या जानेंगे, तो हम जानेंगे द पोजीशन ऑफ ए और एन। अब जरा आइए, एक ये भी यहां से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो एक ये मुद्दा भी है, इसको भी देख लिया जाए कि ए एन की पोजीशन कहां होती है। तो हम लोग लगातार ये देखे जा रहे हैं कि जब भी आर्टिकल्स आते हैं तो उनके बाद नाउन आता है, तो इसकी एक सामान्य पोजीशन है कि जब भी ये आते हैं तो नाउन के ठीक पहले आते हैं, ये तो आप बचपन से जानते हैं। फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि समटाइम्स द नाउन इज प्रिसीडेड बाय एन एडजेक्टिव एंड दैट एडजेक्टिव इज ऑल्सो प्रिसीडेड बाय एन एडवर्ब। इन दैट कंडीशन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ए एंड एन, अगर वहां पर उस शब्द के साथ, उस नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब भी आ जाए, तो हम ए एन को कहां रखेंगे, ये चर्चा का विषय है इस सेशन में। तो आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो पोजीशन की बात अगर की जाए तो आप ये जानते हैं कि सामान्यतः ए अथवा एन की पोजीशन नाउन से पहले होती है। एक सामान्य परिस्थिति है कि नाउन आएगा तो उसके पहले ए एन आएगा, आप ये जानते हैं। आप कहेंगे अ बॉय, आप कहेंगे एन ऑरेंज, आप लिखेंगे अ टीचर, आप लिखेंगे एन एलिफेंट, ये सामान्य पोजीशन है कि ठीक ये नाउन से पहले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आप किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ए एन की पोजीशन उस एडजेक्टिव से पहले होगी, अर्थात आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए और एन प्लस एडजेक्टिव, तब उसके बाद नाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप किसी नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव को लेकर आएंगे तो ये जो ए एन है ये पहले आएंगे, इसके बाद ये एडजेक्टिव आएंगे, तब वो नाउन आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही है, पिछले सेशंस में चर्चा हो चुकी है कि केवल एडजेक्टिव के लिए आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ पे कोई नाउन ना आ जाए, ये चर्चा हुई है। सही बात है कि ये जो ए एन यहाँ पर आप जो भी प्रयोग करेंगे वो इस नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, उसी के लिए वो आएगा। लेकिन इसकी शर्त है कि मैं आऊंगा तो इस नाउन की खातिर, लेकिन जब मैं प्रयोग किया जाऊंगा, इनमें से कोई भी आप प्रयोग करेंगे तो ये चूंकि साउंड के अनुसार प्रयोग होते हैं तो ये फॉलो करेंगे एडजेक्टिव के साउंड को। आई रिपीट, दिस ए और एन विल फॉलो द साउंड ऑफ दिस एडजेक्टिव नॉट दिस नाउन। कहने का मतलब आपने लिखा है अ बॉय, लेकिन आप कहेंगे एन इंटेलिजेंट बॉय। ये देखिए, अब इस इंटेलिजेंट के आई को फॉलो कर रहा है ना कि बी को, आप कहेंगे अ गुड गर्ल। ये देखिए, अब यहां पर तो चूंकि जी का साउंड भी वही है, दोनों में जी है तो ए आ गया, लेकिन आप कहेंगे एन इजी क्वेश्चन। देखिए, अब यहां पे एन इस ई के साउंड को फॉलो कर रहा है, क्यू को फॉलो नहीं कर रहा है, आप कहेंगे अ डिफिकल्ट
आंसर। देखें जरा यहां पे आंसर आया है लेकिन ए आया, क्योंकि ये ए इस डी के साउंड को फॉलो कर रहा है ना कि आंसर को। यहां पे क्वेश्चन आया फिर भी एन आया, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ई को ना कि क्यू को। यहां पर इंटेलिजेंट के पहले एन आया, क्योंकि ये साउंड फॉलो कर रहा है एडजेक्टिव को ना कि इस नाउन को। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, बहुत ही ध्यान समझिए। पहली चीज, जब कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले आएगा, ए और एन, और वो ए एन उस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार आएगा न कि नाउन के अनुसार। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर आप इसको संग्रह करना चाहते हैं तो, या समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, आप ये बात समझ गए कि जहां पर एडजेक्टिव आया तो आप ए एन को शिफ्ट करेंगे एडजेक्टिव से पहले। अब आपको पता है कि किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब भी आ सकता, जब एडवर्ब आ जाएगा तो देखिएगा फॉर्मूला, ए अथवा एन, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडवर्ब, तब उसके बाद एडजेक्टिव, और तब उसके बाद नाउन। ये पोजीशन बनेगी, देखें जरा ये सिचुएशन बनेगी। अब एडवर्ब आ गया तो ये फिर हटेगा, ये जगह देगा सबके लिए। अब आप कहेंगे अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, देखिए अंतर। तब एन इंटेलिजेंट था, वेरी आ गया तो फिर ये ए बदल गया। आप कहेंगे अ हाईली एजुकेटेड वुमन, देखें अब एजुकेटेड है, कायदे से एन आना चाहिए था लेकिन चूंकि हाईली आ गया तो ये हाईली के साउंड को फॉलो कर रहा है। ये जिसके जस्ट बगल में जो आएगा उसी के साउंड को ये फॉलो करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे एन इजी टू डू टास्क। आप देखें इजी टू डू टास्क, ठीक है? इस तरह से देखिए, आप जब यहां पर वर्ब्स को लेके आएंगे, नाउन्स को लेके आएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव्स को लेके आएंगे। अब यहां पर ये जो टू डू है, आप समझ रहे हैं इन्फिनिटिव है लेकिन वो कार्य कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसके लिए यहां पे इजी आया है, इसके साउंड को फॉलो कर रहा है। तो अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अ हाईली एजुकेटेड वुमन, एंड इजी टू डू टास्क। इस तरह से आपको ए एन की पोजिशन का ध्यान रखना है कि ये प्राइमरली नाउन के साथ आते हैं, ठीक उसके पहले, ठीक उसके पहले। अगर एडजेक्टिव आ गया तो उस एडजेक्टिव के पहले, अगर एडवर्ब आ गया तो उस एडवर्ब के पहले, और ये जिसके नजदीक आएगा उसी के साउंड को फॉलो करेगा। लेकिन जरा अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं उन पे ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपके सामने आ जाए मेनी, सच या वॉट, तो ए एन की पोजिशन इनके बाद होगी और नाउन से पहले होगी। अब देखो, आप इसके बाद तब ले आएंगे ए अथवा एन को और तब उसके बाद रखेंगे नाउन को। देखिएगा जरा कहानी बदल गई, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे मेनी अ मैन, देखिएगा आप कहेंगे मेनी एन आर, आप लिखेंगे व्हाट अ गुड फॉर्च्यून। देखें जरा आप कहेंगे सच अ बैड मैन। आप देखें अब ए कहां आ रहा है, तो यहां पर ये जो है इसकी पोजीशन इनके बाद आ रही है, और जब इनके साथ जा, ध्यान से देखिएगा कि जब इसके बाद नाउन आया तो नाउन से पहले, नाउन से पहले। लेकिन अगर यहां एडजेक्टिव आ गया तो फिर कहानी वही पुरानी वाली दोहराई जाएगी कि तब ए एन की पोजीशन एडजेक्टिव से पहले लेकिन व्हाट के, सच के, मेनी के बाद। ध्यान से इन एग्जांपल्स को देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको बाद में सहूलियत हो समझने में। आप ए एन की पोजीशन, अब ये गलती से भी आपने अगर कह दिया कि व्हाट गुड अ फॉर्चून तो रॉन्ग हो जाएगा।
आपने कह दिया सच बैड अ मैन तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने कह दिया ए मेनी मैन तो रॉन्ग हो जाएगा, आपने कह दिया एन हो ही नहीं सकता मेनी के साथ। इसकी पोजिशन देखिए, जब मेनी आता है वॉट आता है सच आता है तो ए एन इनके बाद आते हैं तब नाउन आता है, और अगर उस नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए, वहां मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखा है एडजेक्टिव लेकिन आप एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर उस नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आ जाए तो फिर ए एन एडजेक्टिव से पहले वॉट मेनी सच के बाद और नाउन यहां रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये जो सेगमेंट है ये जो हिस्सा है इसको लेकर के कुछ लोगों के मन में परेशानी हो रही होगी कि हम लोगों ने तो सुना है कि मेनी प्लूरल है, मेनी से बहुत का बोध होता है, मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, आप सर जी मेनी के बाद ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, नाउन को सिंगुलर के रूप में लिख रहे हैं, तो आइए जरा इस बात को भी यहां देख लीजिए ताकि मन में कोई भ्रम ना रहे। बहुत जरूरी है चीजों को समझना, इन सबसे सवाल बार बार बनते हैं, आप उन सवालों को अच्छे से कर पाए यही कोशिश है। अब देखिए जरा, तो ये चीज आप बचपन से जानते हैं कि मेनी के बाद, मेनी चूंकि प्लूरल है बहुवचन की बात करता है तो मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और जाहिर सी बात है तब वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल होगी, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। आप कहेंगे मेनी बॉयज वर एब्सेंट टुडे, ठीक है, अब टुडे ना लिखें, वर लिखा है आपने तो अच्छा है कि यस्टरडे लिखें, भूतकाल की बात हो रही है यस्टरडे, ठीक, मेनी बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, या आप कह सकते हैं मेनी गर्ल्स लाइक टू डांस। अब देखें इस मेनी के बाद जो नाउन आया वो प्लूरल है, प्लूरल है, वर्ब भी देखिए प्लूरल है, ये आप जानते हैं। फिर जो मैंने लिखा अभी मेनी ए मेनी एन तो क्या है, तो वो ये है साहब कि इस मेनी का प्रयोग ए एन के साथ भी कर सकते हैं, आप इस मेनी के बाद ए अथवा एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे इसके बाद अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, जो अर्थ मेनी का है वही अर्थ मेनी ए अथवा एन का है, लेकिन जैसे ही आप मेनी के साथ ए एन का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है साहब, और जाहिर सी बात है जब नाउन सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, कोई संकोच नहीं। अर्थात आप इसी वाक्य को लिख सकते हैं मेनी अ बॉय वॉज एब्सेंट यस्टरडे, देखें आप कह सकते हैं मेनी अ गर्ल लाइक्स टू डांस। अंतर देखिएगा, अंतर यही है कि यहां जैसे ही आपने ए इंसर्ट किया तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, लेकिन इन सभी वाक्यों का अर्थ एक ही है, इसका अर्थ है कि कई लड़के कल अनुपस्थित थे तो इसका भी अर्थ है कई लड़के यहां अनुपस्थित थे, इसका अर्थ है कई लड़कियां नृत्य करना पसंद करती हैं, इसका भी अर्थ है कि कई लड़कियां या अधिकतर लड़कियां या अधिकांश लड़कियां नृत्य करना पसंद करती हैं, इन दोनों का एक ही अर्थ है। आप देखो रवि शास्त्री साहब जब कोच नहीं थे कमेंट्री करते थे तो अक्सर करते थे मेनी अ माइल द बॉल हैज गॉन मेनी अ माइल, मेनी अ माइल्स नहीं, या तो कहिए द बॉल हैज गॉन मेनी माइल्स या द बॉल हैज गॉन मेनी अ माइल। तो हम मेनी के साथ जब ए एन लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और जब ए एन नहीं होगा तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, यहां से सैकड़ों बार एरर के फिलिंग द ब्लैंक्स के इम्प्रूवमेंट के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, सावधान रहिएगा। देखिएगा हम जब मेनी मच फ्यू लिटिल का प्रयोग आगे सिखाएंगे आपको तो इसको और विस्तार से बात करेंगे, ये हमें याद रहेगा, आप परेशान मत होइएगा। अच्छा इसी तरह से जरा एक कदम और आगे बढ़िए, अब मान लीजिए इनको आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब मान लीजिए कि
आप जो वाक्य लिख रहे हैं या जो फ्रेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वहां पर सच के बजाय, व्हाट के बजाय, मिनी के बजाय कोई और शब्द आ जाए, तो कौन सा शब्द आएगा साहब? तो देखिएगा जरा, जैसे सो, जैसे हाउ, जैसे शब्द भी आते हैं, तो जैसे ही आप सो का, हाउ का प्रयोग करेंगे तो स्थिति क्या होगी? अब देखें, आपको मैं दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए कि आ गया एज या सो या हाउ, तो जैसे ही एज सो हाउ आता है तो इसके बाद ठीक क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तब इसके बाद ए एन आएगा और तब इसके बाद साहब नाउन आएगा। देखिएगा ये पोजीशन पढ़ना कितनी जरूरी थी, हाउ टू यूज, कैसे प्रयोग करें, ये ना जाने बिना कैसे गाड़ी फंसेगी। अब आप देखें, आप कहेंगे एज बैड अ मैन, अगर आपने एज अ बैड मैन कहा तो उसका कोई और मतलब हो जाएगा, तब जैसे का अर्थ निकलेगा। एज बैड अ मैन एज यू, आप कहेंगे हाउ गुड अ पर्सन यू आर, जब पोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सो बैड अ प्लेयर। देखें, सो बैड अ प्लेयर, हाउ गुड अ पर्सन, एज बैड अ मैन। आप देखें यहां पर अब ए की पोजीशन कहां आ रही है, तो एडजेक्टिव के बाद सबसे पहले आप इन शब्दों को रखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव्स को रखेंगे, इसके बाद तब ए एन को रखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि हाउ फुलिश एन आंसर, देखें कहां पे आ रहा है, तो जहां पर भी आपको सो मिले, हाउ मिले, एज मिले, तो क्या सिचुएशन होगी कि इनके ठीक बाद पहले एडजेक्टिव आएगा, उस एडजेक्टिव के बाद तब आप ए एन को रखेंगे और तब उसके बाद नाउन को रखेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सहेज लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। देखिएगा जरा, इसी तरह अगर सपोज करिए कि आप कोई फ्रेज या सेंटेंस लिख रहे हैं और वहां पर कुछ और शब्द जैसे रेदर, जैसे टू, ठीक है, अब ये टू आ जाए, रेदर आ जाए, तो सो आ जाए, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? अगर आपने कहीं पर देखा कि आप फ्रेज के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं क्या, तो रेदर, रेदर का प्रयोग किया, ठीक है, तो रेदर के बाद हम पहले ए अथवा एन को लाते हैं, उसके बाद तब एडजेक्टिव को लेकर आते हैं, तब नाउन को। ये भी कुछ जो है, ये देखिए, ये आप कहेंगे कि रेद अ फुलिश आंसर, आप कहेंगे रेद अ टफ डिसीजन, पर ये कहा आ रहा है रेदर के साथ। हालांकि इनफॉर्मली कुछ लोग इसको ए को पहले भी रख लेते हैं, लोग कहते हैं अ रेदर फुलिश आंसर, अ रेदर टफ डिसीजन, ऐसा भी लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये प्रिफरेबल है, आप इसी को प्रिफर करिएगा एग्जाम में। आप रेदर अ फुलिश आंसर की जगह लोग बोलचाल में अ रेदर फुलिश आंसर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अ रेदर टफ डिसीजन ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप ये फॉर्मल है, इसी को फॉलो करिएगा, ठीक। इसी तरह से एक सिचुएशन और है जहां पर आपको सावधान रहना है, वो है वो देखिएगा कि सपोज करिए कि आपके सामने सो अथवा टू का प्रयोग हो गया, तो सो अथवा टू का जब प्रयोग करेंगे तो उसके साथ भी वही सिचुएशन होगी, ये जब सो आएगा या टी ओ ओ टू आएगा तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, तब इसके बाद ए अथवा एन, तब इसके बाद नाउन,
ये देखिए ये सिचुएशन, आपको ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। आप कहेंगे सो स्मार्ट अ मूव, आप कहेंगे टू डिफिकल्ट अ सिचुएशन। आप देखें कहां आ रहा है एन एडजेक्टिव के बाद, इनके पहले। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मली बोलचाल में लोग इसको पहले भी रख लेते हैं, लोग ऐसे भी कहते हैं कि अ सो स्मार्ट अ मूव, अ टू डिफिकल्ट अ सिचुएशन, ऐसा प्रयोग लोग करते हैं। लेकिन यहां पर मैं फिर कहूंगा कि ये प्रिफरेबल है, आप इसी क्रम को ही रखिएगा, किसी और क्रम को आप बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। रिटर्न इंग्लिश में इसी को फॉलो किया जाता है, आप इसी को फॉलो करिएगा। एक बात और, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, तो इन सारी बातों का मतलब तभी तक है जब वहां आने वाला नाउन सिंगुलर है। बाप को मैंने कहा कि व्हाट अ मैन, व्हाट अ गुड मैन, ठीक है, लेकिन वहां मैन की जगह मैन हो जाए तो व्हाट अ मैन थोड़े आप कहेंगे, तब कहेंगे व्हाट मैन, व्हाट गुड मैन, व्हाट अ गुड बुक या व्हाट गुड बुक्स। बात समझ रही है? वही चीज यहां पर भी है। आपने लिखा कि सो स्मार्ट अ मूव, लेकिन अगर ये मूव की जगह मूव्स हो जाए तो सो स्मार्ट मूव्स, टू डिफिकल्ट अ सिचुएशन की जगह टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ये पोजीशन आप ध्यान रखते समय भी ध्यान रखिएगा कि ये तभी होगा जब वहां ए एन आएगा, और ए एन कब आएगा, जब नाउन सिंगुलर होंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन्स के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये था पोजीशन ऑफ ए एन। मैंने कोशिश की और मुझे आशा है कि आप इन चीजों को ध्यान से देख रहे होंगे। अब अगले सेशन में जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वेन टू यूज, वेयर टू यूज, हम आर्टिकल का प्रयोग कब करें और कब न करें, क्योंकि आगे चल के आप जीरो आर्टिकल के बारे में भी समझेंगे, और कहां करें कहां ना करें। ठीक है, थैंक यू।